आज 9 जून से प्रारंभ हुआ सघन वैक्सीनेशन अभियान, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर वैक्सीनेशन वाहनों को किया रवाना। कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र के निर्देश पर आज 9 जून से संपूर्ण पन्ना जिले में सघन वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पोलिंग बूथों पर टीकाकरण केंद्र बनाकर वैक्सीनेशन कार्य किया जाएगा, जिससे सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भटकना ना पड़े। इसी तारतम्य में आज सुबह 8:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी, BMO डॉक्टर ML चौधरी, जनपद CEO प्रसन्न चक्रवर्ती, CMO नगर परिषद हरिवल्लभ शर्मा, डॉक्टर ओम हरि शर्मा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर वाहनों को ग्रामीण एवं नगर के पोलिंग बूथों में बने टीकाकरण के लिए रवाना किया गया है। कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार सघन टीकाकरण कार्यक्रम हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है, कलेक्टर महोदय के द्वारा, जिसमें जिले के सभी पोलिंग बूथों को चयनित किए गए हैं निर्धारित दिनांक पर। वहाँ पे 18+ वालों को 18 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी ना होना पड़े और अधिक से अधिक टीकाकरण। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज से सभी ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ, प्रथम चरण का प्रारंभ किया जा रहा है जी। क्योंकि कोरोना से बचाव का केवल एक ही उपाय है, जब तक सभी व्यक्तियों को वैक्सीन नहीं लगेगी, कोरोना की ऐसी संभावना है कि तीसरी वेव भी आने वाली है जी। तो इसलिए जब तक सभी को टीकाकरण नहीं होगा, ये बीमारी खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं, लोग और भ्रांतियों से दूर रहें और सभी ग्रामवासी के जो गणमान्य नागरिक हैं वो लोगों को प्रोत्साहित करें। 9 जून से पूरे जिले में सघन वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर पन्ना के निर्देश पर आज पवई अस्पताल में तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वैक्सीनेशन लेकर वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है, जो गांव-गांव के पोलिंग बूथों में जाकर अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करवाने की पहल करेंगे और लोगों को लगाएंगे, ताकि कोरोना संक्रमण से सभी को मुक्ति मिल सके। प्रशासन का कहना है कि सभी भ्रांतियों को मिटाकर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। पन्ना मध्य प्रदेश से राकेश पाठक।